शी इज लुकिंग अमेजिंग राइट. सो आप भी ऐसे लग सकते हो, जस्ट फॉलो माई होल ट्यूटोरियल. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यामी गौतम का यामी गौतम ब्राइडल इंस्पायर्ड मेकअप लुक. तो ये जो मेकअप लुक है ये बहुत 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 एलिगेंट है, बहुत सिंपल है और आई थिंक ये हर लड़की बिल्कुल आसानी से कर सकती है. सो यहाँ जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किया ना, ये एक वन ब्रांड ट्यूटोरियल है शुगर कॉस्मेटिक्स का. ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद परचेज किए हैं, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मेरे खुद के पैसे से लगाए हुए प्रोडक्ट्स के वीडियो हैं. अच्छा, मैंने क्यों शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट यूज़ किए, बिकॉज आई एम इन लव विथ शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट. और यहाँ मैंने दो नए प्रोडक्ट यूज़ किया है, विच इज़ रेज फॉर कवरेज फाउंडेशन. मैंने ये जो न्यू लॉन्च हुआ है ये यूज़ किया है, और मैंने ये जेली हाइलाइटर यूज़ किया है आज के इस मेकअप लुक में. ये जो मेकअप लुक है ये कश्मीरी ब्राइडल मेकअप लुक है. यामी गौतम की अभी रिसेंटली शादी हुई है और उन्होंने जो मेकअप किया था वो पूरा अपने कल्चर को फॉलो करके किया था. उन्होंने अपनी पूरी शादी अपने पूरे कल्चर को फॉलो करके की है, बिल्कुल सिंपल वेडिंग की है, जिसके लिए उन्हें बहुत 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 तारीफ मिल रही है. एंड बहुत अच्छी बात है, आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, आपको अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए. तो हम हमेशा उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो अपने रूट्स से जुड़े हुए होते हैं. सो यस, रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यामी गौतम. जो मेकअप लुक है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बट इसमें प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. बहुत लोगों को ऐसा लगता है नेचुरल मेकअप जो होता है उसमें प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इवन यामी गौतम ने भी मेकअप जरूर किया है. अभी मैं जैसे वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं आपके इतने क्लोजअप में हूँ तो आपको दिख रहा है मेरे चेहरे पे मेकअप है, लेकिन अभी मैं एक रूम में हूँ आपके साथ और नेचुरल लाइटिंग के हम बीच बैठे हैं. और फिर आप जब मेरे पिक्चर्स क्लिक करोगे तो वो इतने मेकअप वाले नहीं आएंगे, बिकॉज नेचुरल लाइटिंग का भी इफेक्ट होता है. सो जैसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पेशली लाइक सोनम कपूर, उन्होंने कई बार रिवील किया है कि हम बिना मेकअप के पब्लिक में अपीयर होते ही नहीं है. सो वो लोग भी मेकअप करते हैं, हर तरीके का मेकअप होता है. आप डार्क टोन्स यूज़ करोगे तो आपका मेकअप दिखेगा दैट यू हैव अप्लाइड मेकअप, बट अगर आप न्यूट्रल टोन्स यूज़ करोगे तो वो नेचुरल मेकअप या न्यूड मेकअप की कैटेगरी में चला जाता है, जिसे हम नो मेकअप मेकअप लुक भी कहते हैं. सो इसी तरीके का ये ब्राइडल मेकअप लुक है. आजकल बहुत ज़्यादा लोग लाइट मेकअप करते हैं, चाहे वो ब्राइड ही क्यों ना हो. मैंने इससे मिलता जुलता एक और ब्राइडल मेकअप किया था, जिसको मैं लिंक कर दूंगी आफ्टर दिस वीडियो, आप ज़रूर उसको देखिएगा. सो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राइड हो, आप शिमरी मेकअप करोगे, बहुत हैवी सी लैशेज लगाओगे, बहुत ज़्यादा यू नो भर भर के मेकअप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. बहुत सारे लोग सिंपल वेडिंग में भी बिलीव रखते हैं. सो ये मेकअप अगर आप अपने बिग ब्राइडल डे पे नहीं करना चाहते हो तो आप आफ्टर मैरिज कर सकते हो, जो रस्म रिवाज करने के लिए होता है ना, उस टाइम पे भी आप अच्छे से मेकअप कर सकते हो. नो मोर टॉकिंग, स्ट्रेट हम चलते हैं वीडियो पे और दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. ओके गाइस, तो चलिए अब हम फटाफट मेकअप स्टार्ट करते हैं. और मैं अपने फेस पे मिस्ट अप्लाई करूंगी, जो कि आप प्लम का, आप रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो. सो अभी मैं अपने स्किन को वेल मॉइस्चराइज करूंगी, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज ऑब्वियसली पॉन्स लाइट मॉइस्चराइजर, अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली, सुटेबल टू ऑल स्किन टाइप, सारे सीजन में आप इसे वेयर कर सकते हो. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा सा अब मैं इसमें लिक्विड जेली हाइलाइटर कहते हैं, यस, इट्स फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स 01 गोल्ड गोल. मैंने अभी न्यू परचेस किया है, इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. बहुत थोड़ा सा मैं लूंगी, इसमें ओनली 3 grams क्वांटिटी है एंड द प्राइस इज 500. ओह माय गॉड, मैंने उस टाइम पे सोचा ही नहीं लेने के टाइम पे. एनीवेज लेट्स ब्लेंड एंड सी कैसा वर्क करता है. सो ओके, इट्स वेरी वेरी लाइट और इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर नहीं है. सो दैट्स द रीज़न मैं इसे मॉइस्चराइजर में मिक्स कर रही हूँ, एंड आई विल अप्लाई इट ऑल ओवर माय स्किन, बिकॉज मैंने यामी का जो बेस देखा था वो बहुत बहुत ग्लोइंग था. अभी मैंने इसे अप्लाई किया है, लेट्स सी, मैं मिरर में देखती हूँ. ओके गाइस, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स इसमें नहीं है. इट्स वेरी 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 फाइन एंड यू कैन सी माई स्किन इज ग्लोइंग, राइट. ओके, नाउ आज मैं न्यू फाउंडेशन ट्राई करूंगी, विच इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स, रेज फॉर कवरेज 24 आवर फाउंडेशन. एंड सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नो इट्स अ स्पॉन्सर्ड वन, आई एम लाइंग, तो ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक, क्या आप मुझे सुन रहे हो, प्लीज कोलैबोरेट विथ मी, बिकॉज माई सब्सक्राइबर्स थिंक दैट वी आर कोलैबोरेटिंग. आ जाइएगा, मुझे मेल जरूर करिए. ओके नाउ, ये फाउंडेशन है जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है. आउटर पैकेजिंग
द बेस्ट थिंग अबाउट शुगर फाउंडेशन जो मैं कह रही थी वो ये है कि ये कितने भी रेंज फाउंडेशन के लॉन्च कर दें, इनका नंबर कभी बदलता नहीं है. सो माई नंबर इज अगेन 32. ओके, सो यू कैन टोटली सी द कंसिस्टेंसी. आपको दिखाऊं, इट्स क्वाइट अ थिक, रिच, थिक, क्रीमी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. हाफ फेस पे ब्रश यूज करूंगी जो कि होगा स्टिपलिंग ब्रश, और अदर हाफ पे मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. ओके गाइस, तो ये साइड इज ब्यूटी ब्लेंडर, इस साइड मुझे कुछ ऐसी कवरेज मिली है. तो अभी मैं कंसीलर यूज करूंगी जो कि मेरा शेड आपको पता है 30 नंबर, खुद परचेज किए हैं बिकॉज आई रियली लव शुगर कॉस्मेटिक्स. ब्यूटी ब्लेंडर से आपका लिक्विड फाउंडेशन बहुत अच्छा ब्लेंड होता है जिसकी थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी होती है. अच्छा, यामी गौतम का जो लुक है ना वो इतनी ब्यूटीफुल है, उनको तो ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है. शी इज़ यू नो नेचुरल ब्यूटी, गॉड गिफ्टेड ब्यूटी. नाउ आई विल सेट माई फेस एंड माई कंसीलर एरिया विद दिस ट्रांसलूसेंट पाउडर. तो मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली शॉपिंग की थी फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स के वेबसाइट से, और मैंने लिया था जेली हाइलाइटर जो मैंने आपको दिखाया, और मैंने फाउंडेशन लिया था न्यू. तो ये दोनों प्रोडक्ट पे मुझे ये फ्री मिला है. मैंने कहा चलो यार अब ट्रांसलूसेंट कलर का मेरे पास पाउडर नहीं है, मैं यही ले लेती हूँ. अच्छा, अभी मेरा पूरा मेकअप कैसे मैट दिख रहा है ना, इट्स ओके. अभी हम क्या करेंगे ना, इसे हम सेट करेंगे विद द सेटिंग स्प्रे. तो सो ये जो मैट वाला है ना, इसमें कुछ बचता है, डुई वाले में कुछ बचता नहीं है, पता नहीं क्यों है ऐसा. एनीवेज, तो ये डुई सेटिंग स्प्रे है और मैंने इसीलिए लिया था, वेन एवर आई वॉन्ट टू डू सम डुई मेकअप तो हम करेंगे. ओके, सो मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे किया इसे. आईब्राउज की तरफ मूव ऑन करूंगी, एंड मैं नेचुरल ब्राउज चाहती हूँ इसलिए मैं ये शेड पिक कर रही हूँ. दिस इज फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स आर्क अराइवल ब्राउ पेंसिल. इसमें ना मेरा शेड जो है ना वो एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग है, लाइटर शेड है इसलिए थोड़ा नेचुरल सा दिखता है. ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट इन द शेड 02 वॉरियर. और इसमें से ना मैं सबसे पहले इस शेड से पूरे आईलेट्स को सेट करूंगी. अगर आपके पास येलो कलर है तो आप उससे भी न्यूट्रल कर सकते हो, पर पीच सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है. सो न्यूट्रल हो गया. नाउ मैं आई शेडो ब्रश लूँगी, एंड वट आई विल डू इज कि मैं ये वाला जो शेड है इसे मैं अपने आईलेट्स पर अप्लाई करूंगी, और मैं हाफ ऑफ द आईलेट्स तक ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ. सिर्फ आई शेडो लगाओगे ना आपका आई कलर इतना, आपका आई शेडो इतना पिगमेंट नहीं करेगा, बट अगर आप कंसीलर लगाते हो उसके ऊपर आप अच्छे से पाउडर लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा पॉप करता है. अब जो भी रेस्ट बचा है ना बस मैं उसे ड्रैग करते हुए एंड्स में ले जा रही हूँ. अच्छा, अभी ना वाइट काजल मैंने उनके आईज पे देखा था, लगभग नो काजल टाइप का है, पर मैंने ऑलरेडी से आज काजल लगाया था तो मैं आज काजल को नहीं लगाऊंगी, स्किप कर दूंगी, और मैं आईलाइनर की तरफ मूव ऑन करूंगी. आई डोंट नो मुझे यहाँ क्यों खुजली हो रही है. सो या दिस इज डबल मैट आईलाइनर 01 ब्लैक स्वान, और मैं बहुत थिन सा आईलाइनर अप्लाई करूंगी. ओके, सो मैंने बहुत थिन सा आईलाइनर लगाया, बट ये आईलाइनर शुगर का मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया है द मस्कारा, और मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर का लैश मॉब लिमिटलेस मस्कारा इन द शेड 01. ये मस्कारा इज अ वेरी नाइस मस्कारा. जब से मैंने ये वाला लैशेज यूज करना स्टार्ट किया, मेरे आई लैशेज ना बहुत स्ट्रेट है सो वो कर्ल नहीं होते, बट इस मस्कारा के साथ मैंने देखा है कि मेरे लैशेज को लेंथ के साथ कर्ल भी मिलता है. मुझे इतनी लेंथ मिलती है ना विद दिस मस्कारा कि मैं आपको क्या बताऊं. नाउ आई विल यूज लिपस्टिक. ओके, उसके पहले आई हैव टू यूज फेस पैलेट, और इसमें से मैं ब्लश, ब्रॉन्जर, हाईलाइट सब यूज करूंगी, बट हाइलाइटर थोड़ा ज्यादा. एक्ट्रेसेस के पास तो इतना पैसा है तो वो क्या करती है ना, बहुत नेचुरल सा मेकअप करती है. अब यामी गौतम को अगर आपने एडवर्टीजमेंट में या मूवी में देखा ही होगा तो उनका फेयर स्किन टोन है, बट जिस दिन उनकी शादी थी उन्होंने पूरा ब्राउनिश काइंड ऑफ ऐसा मेकअप किया, या फिर लाइटिश, या फिर वो लाइट का इफेक्ट आ रहा था कि उनकी स्किन पूरी ब्रॉन्ज दिख रही थी. नेचुरल लग रहा है बिकॉज शेडो जो पड़ते हैं वो पड़ रहे हैं, पर यहाँ कुछ भी नहीं, तो यहाँ फेक लग रहा है कि ओ नहीं नहीं इसने तो मेकअप किया है. सो मैं सच बताऊँ तो मैं हूला का ब्रॉन्जर बहुत पसंद करती हूँ. उसके बाद मुझे ये शुगर के पैलेट का 01 जो पैलेट है उसका बहुत पसंद है. मैंने एक नो मेकअप मेकअप लुक भी शेयर किया था, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा कमेंट्स आए थे ना
कि आपने तो पूरा भर भर के मेकअप किया, फिर इसको नाम क्यों दिया नो मेकअप मेकअप लुक. तो एक्चुअली नो मेकअप मेकअप लुक होता ही है इतने प्रोडक्ट्स के साथ, उसमें सब कुछ यूज होता है, बस टोन्स बहुत अलग होते हैं, समझे आप. ओके, सो अभी मैं सेम ब्रॉन्जर कलर को ही अपने पूरे नोज के पास भी लगा रही हूँ, अभी ब्लश लगा रही हूँ. सो अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस एंड ऑल करते हो ना, तो आपका ये मेकअप नहीं जाएगा आपको फिर, देन यू हैव टू अप्लाई इट अ लॉट. और ना पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो यूट्यूबर्स होती है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है, बिकॉज कैमरा में तो दिखेगा ही नहीं अदरवाइज. लेकिन ऐसा नहीं है, देखो मैं आपके पास बैठी हूँ, लाइक कैमरा के बिल्कुल नज़दीक हूँ, तो मेरा मेकअप दिखता है. पर अगर अभी मैं यही नॉर्मल मेकअप, मतलब ये मेकअप लगा के घर में घूमूँ और दूर से मेरा कोई फोटो क्लिक करेगा, तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा. यामी गौतम का इतना न्यूट्रल सा मेकअप करने के लिए हमें कितने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ी, देखा आपने. मैं सेम ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मुझे यामी के फेस में बहुत ग्लो दिख रहा था, इट वॉज़ लाइक ऑलमोस्ट उनका फेस जो था वो ग्लिटरी ग्लिटरी हो गया था पूरा. मुझे उनके आईब्रोज के ऊपर हाईलाइट दिख रहा था, मुझे नोज़ के पास हाईलाइट दिख रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि जिनने भी उनका मेकअप किया, अगर उन्होंने खुद ही किया है, तो भी काफ़ी मतलब हाईलाइटिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा था, लाइट फॉल करती है. हाईलाइटर का मतलब ये होता है ना कि जब आप हाईलाइटर अप्लाई करोगे तो लाइट उसको ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी. देखो कितना मेकअप बदल जाता है जस्ट ब्रॉन्जिंग, ब्लश और हाईलाइट से. ओके नाउ, सो अभी आई डोंट नीड एनी हाईलाइटर, बट लिया है तो यूज़ करते हैं. तीन डॉट अप्लाई कर रही हूँ पाउडर के ऊपर, इतना अच्छा ब्लेंड हुआ. सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, कि ये बिल्कुल भी इसमें कोई भी तरह का चंकी ग्लिटर नहीं है. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मैट अटैक लिपस्टिक फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. ओके, सो लिपस्टिक डन. और ये जो शेड है इट्स 02. ओके, लास्ट टाइम हम अप्लाई करेंगे ड्यूई सेटिंग स्प्रे. टिल देन, जब तक ये ड्राई हो रहा है, अभी हम सिंदूर लगाएंगे. एंड फॉर द सिंदूर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का ये ऐसा सिंदूर. यहाँ पे छोटा सा मिरर है, और जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेटर है जिसमें ऑटोमेटिकली सिंदूर आ जाता है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट. सो ये अब कहाँ से मैंने लिया, इसमें शेड वेड कुछ नहीं है, आई थिंक इट्स अ रेड शेड. 20 रुपए का है, 15 ग्राम इसमें क्वांटिटी है. ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था. एनीवेज मैं सिंपली इसे ओपन करती हूँ एंड ये लेती हूँ. और इस मिरर में आप देखते हुए, पास कहीं मिरर नहीं है, तो आप इसमें देखते हुए ऐसे अप्लाई कर सकती हैं. एंड ये बहुत परफेक्टली एकदम अप्लाई होता है. सी, इसमें अभी भी है थोड़ा सा सिंदूर. मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, जब मेरा मेकअप लगभग कंप्लीट हो जाता है, तो मैं एक बार फाइनल बार अपने मेकअप को चेक करती हूँ. और मुझे अगर लगता है कि मुझे अपने आईब्रोज को थोड़ा सा और फिल करना चाहिए, या ज़्यादा फिल हो गया है मैं उसे कम कर लूँ, तो वो भी करती हूँ. सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज. आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर अच्छी लगी हो ना, तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड मैंने और भी कई ब्राइडल्स मेकअप किए हैं, सो मैं उसे स्क्रीन में लगा दूंगी आफ्टर दिस वीडियो, आप जरूर देख लीजिएगा. मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर.